नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज मैं आपको बताने वाला हूं टैली प्राइम के अंदर आप किस तरह से सर्विस जीएसटी का यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं सर्विस जीएसटी के नाम से और इसके बाद इसको एंड्रॉप डाल देते हैं डेली स्टेट ले लेते हैं, अपना कंट्री ले लीजिए और इसके बाद अगर आपको फर्दर डिटेल्स फिल करनी है तो आप फर्दर डिटेल्स फिल कर लीजिए और मैं एंटर एंटर करके इसको सेव कर दे रहा हूं। सेव करने के बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जाना है जीएसटी वाले ऑप्शन पे और इस वाले ऑप्शन को आपको यस रखना है। यस रखने के बाद आपको यहाँ पर अपनी जीएसटी डिटेल फिल कर देनी है। जैसे मैं कोई भी रेंडमली जीएसटी नंबर फिल कर ले रहा हूँ। फिल करने के बाद एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है जीएसटी R1 का, यानी ये जो जीएसटी है ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसे मंथली पे करेंगे या क्वार्टरली पे करेंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे मंथली रख करके सेव कर दे रहा हूँ और उसके बाद आपको इसे एंटर एंटर करके सेव कर देना। सेव करने के बाद यहाँ पर भी आप इसे कंट्रोल ए कर दीजिए या फिर एंटर करके सेव कर दीजिए। फिलहाल मैंने कंट्रोल ए करके इसे सेव कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है सीधे वाउचर्स पे। वैसे तो मुझे लेजर क्रिएट करना है लेकिन मैं लेजर जो है वो डायरेक्टली क्रिएट करूंगा। मैं आपको बता देता हूँ लेजर आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप जाएंगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे, यहाँ से जाएंगे आप लेजर्स पे और लेजर्स में जाने के बाद यहाँ पर आप अपना लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो लेजर बनाएंगे वो डायरेक्टली बनाएंगे, तो स्कैप करके पीछे आ जाते हैं। पीछे आने के बाद आप चले जाइए डायरेक्ट वाउचर के अंदर। वाउचर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका परचेज वाउचर ओपन है। अगर कोई और वाउचर आपका ओपन हो तो आप F9 प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर आपका परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है, आपको एक शॉर्टकट की भी यहाँ पर यूज करनी है, Ctrl+H। Ctrl+H बेसिकली क्या काम करता है, ये मोड को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने तीन ऑप्शन है, सबसे पहला आइटम इनवॉइस, दूसरा है अकाउंटिंग इनवॉइस और तीसरा है एज वाउचर। आइटम इनवॉइस के अंदर अगर हम एंटर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके आइटम्स क्वांटिटी रेट्स ये सब कुछ आपसे मांगेगा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है अकाउंटिंग इनवॉइस, इसके अंदर हम सर्विस जीएसटी का यूज करते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है एज वाउचर, इसके अंदर सिंपल परचेज या सिंपल सेल का हम यूज करते हैं। तो हमें जो यूज करना है वो अकाउंटिंग इनवॉइस यूज करना है, तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपने सप्लायर का जो भी इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी डेट रखनी है वो डेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेट रख दे रहा हूँ 1/5/21। एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर आप सबसे पहले पार्टी का नेम ले लीजिए। मैं Alt+C प्रेस करता हूँ, एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ पार्टी के नाम का। तो मैंने नाम ले लिया अमन कॉरपोरेशन और उसके बाद इसको अंडर ऑफ डाल दिया मैंने सेंट्रिक क्रेडिटर और उसके बाद एंटर करेंगे आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप उसका पिन कोड डाल सकते हैं, यहाँ पर उसकी बैंक डिटेल अगर प्रोवाइड करना है तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसे प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर उसका पैन नंबर फिल कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको उसका जीएसटी नंबर फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर फिल कर देता हूँ लाइक 07। और उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको मैं सेव कर दूँ। सेव करने के बाद आप यहाँ भी नीचे आ जाइए, एंटर एंटर करके यहाँ भी नीचे आ जाइए, इसको भी सेव कर देना है आपको। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी सर्विस का नाम देना है। तो यहाँ पर हम फिर से Alt+C प्रेस करेंगे और अपनी सर्विस का लेजर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और उसके बाद इसको अंडर ऑफ डाल दूंगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये मेरा मंथली एक्सपेंस है तो मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको इसे नॉट एप्लीकेबल ही रखना है, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल ही रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन और आ गया सेट अल्टर जीएसटी डिटेल का, तो इस वाले ऑप्शन को आपको यस कराना है। यस करने के बाद आप उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर फिल कर सकते हैं कि आपका ये जो एक्सपेंस है वो क्या है। तो मैंने दे दिया लाइक एड और यहाँ पर उसका आप HSN नंबर डाल दीजिए, जो भी HSN नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर नॉट एप्लीकेबल ही रखना है आपको। यहाँ पर आपको टैक्सेबल रखना है। टैक्सेबल रखने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको जीएसटी फिल करनी है, कितने परसेंट जीएसटी लग रही है। तो मैंने दे दिया लाइक 18%। यहाँ पर एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप आ जाइए सर्विस, यानी दो ऑप्शन है आपके पास, सप्लाई टाइप आपका, तो आपका गुड्स है या सर्विस है। तो फिलहाल हम सर्विस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सर्विस रखेंगे और इसको एंटर करके हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जितने भी अमाउंट का आपका एक्सपेंस हुआ है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो मैंने दे दिया लाइक 45,000 और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने टैक्सेशन को ऐड कराना होगा। तो मैं यहाँ पर Alt+C फिर से करूंगा और यहाँ पर एक लेजर बना लेता हूँ CGST का और इसको अंडर ऑफ डाल दूंगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और इसके बाद यहाँ पर लेंगे जीएसटी
और यहाँ पर आपको लेना है CGST का सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पर आपको परसेंटेज के अंदर कुछ भी फिल नहीं करना, आपको सिंपल एंटर करके नीचे आ जाना है। आपको देखेंगे आपका CGST आपके सामने रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद नीचे आ जाइए, ऑल्ट सी फिर से करिए आप, और अब यहाँ पर लेजर बनाइए SGST का, इसे भी आप सेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डालिए। यहाँ पर GST लीजिए और यहाँ से ले लीजिए स्टेट टैक्स, और यहाँ पर भी आपको परसेंटेज ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद नीचे आ जाइए, एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप देखेंगे आपका CGST और SGST आपके सामने शो अप हो गया। अगर आप इसको देखना चाहते हो कि कितने परसेंट आपका CGST और कितने परसेंट आपका SGST लगा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है आपके सामने रिलेटेड रिपोर्ट्स का, तो इस पर आप क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन है GST टैक्स एनालिसिस का, आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपका GST शो हो रहा है, तो यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड से Alt+F1 प्रेस करिए। Alt+F1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके टोटल अमाउंट का CGST और SGST यहाँ पर शो अप हो गया। अब स्कैप करके हम पीछे आ जाते हैं एक बार, और यहाँ पर एंटर करके इसको सेव कर देते हैं, और इसके बाद इसे न्यू रेफरेंस में रख करके हम इसको सेव कर देंगे। तो ये था हमारा CGST और SGST हमने लगाया परचेज के ऊपर। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो मैं सेल भी आपको बता देता हूँ। आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए F8, F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पार्टी का नेम देना होगा, तो यहाँ पर हम करेंगे Alt+C। Alt+C देने के बाद यहाँ पर आप ले लीजिए एक सिमडी डेबिटर का नाम, तो मैं ले लेता हूँ लाइक दीपक इंडस्ट्रीज, और इसको अंडर ऑफ डाल दूंगा सेंडी डेबिटर। सेंडी डेबिटर डालने के बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आप अपने कस्टमर की डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जैसे कि उसका पैन नंबर, उसका GST नंबर। तो मैं यहाँ पर उसका GST नंबर अगर है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल GST नंबर उसका फिल कर दे रहा हूँ। इसके बाद एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको सेट अल्टर GST डिटेल को कुछ नहीं छेड़ना, आपको सीधे एंटर करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको डिलीवरी नोट भी आपको एंटर करके सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर भी आप इसे एंटर करके सेव कर देंगे, और यहाँ पर आप अपनी सर्विस लेंगे जो कि आप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लाइक Alt+C करके, और यहाँ पर हम ले लेते हैं टेलीकॉम सर्विस। और उसके बाद एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद इसे आप डाल दीजिए इनडायरेक्ट इनकम, ये आपकी मंथली इनकम है तो इसे हम इनडायरेक्ट इनकम रखेंगे। और यहाँ पर इसे एंटर करके सेम एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया था अभी इस परचेज के अंदर, आपको इसको भी यस कराना है। यस करने के बाद आप इसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ टेलीकॉम, और उसके बाद एंटर प्रेस करिए। यहाँ पर HSN नंबर जो भी फिल करना है वो डाल दीजिए, एंटर प्रेस करिए। यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए, यहाँ से ले लीजिए टैक्सेबल। टैक्सेबल लेने के बाद यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज लिख दीजिए, तो मैंने ले दिया 18%, और इसे मैं एंटर करके सेव करा देता हूँ। यहाँ पर सर्विस ले लीजिए और इसे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद जितने की भी आपकी सर्विस है उसको फिल कर दीजिए, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ लाइक 12,000 की मेरी सर्विस है। तो यहाँ पर आपका CGST और SGST जो भी लग रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CGST और SGST, एंटर करके हम इसको भी सेव कर देंगे। उसी तरीके से अगर आप इसको भी देखना चाहें तो यहाँ से आप इसकी परसेंटेज देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ IGST आप किस तरह से सेल कर सकते हैं। तो IGST के लिए हम फिर से एक पार्टी क्रिएट करते हैं लाइक Alt+C किया हमने। हमने यहाँ ले लिया कमल इंडस्ट्रीज अंडर ऑफ सेंडरी डेबिटर, और उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर उसका GST नंबर फिल कर दीजिए। तो इससे पहले आपको उसका स्टेट सेलेक्ट करना होगा, तो हम ले लेते हैं लाइक गोवा, और उसके बाद गोवा का ये GST नंबर फिल कर दीजिए। तो गोवा का जो कोड होता है वो 30 होता है, तो यहाँ पर 30 ले लीजिए। यहाँ पर उसका GST नंबर फिल कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद इसको भी आप एंटर करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर भी आप इसे एंटर करके सेव कर दीजिए, और यहाँ पर आप अपनी सर्विस ले लीजिए। तो मैं उसी सर्विस को ले लेता हूँ लाइक टेलीकॉम सर्विस को, और यहाँ पर अमाउंट दे देता हूँ 12,000, और उसके बाद यहाँ पर Alt+C करेंगे। आप लेजर बनाएंगे एक IGST का, जिसको अंडर ऑफ डाल देंगे आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और यहाँ पर आपको लेना होगा GST, और यहाँ पर आपको लेना होगा इंटीग्रेटेड टैक्स, और यहाँ पर आपको परसेंटेज कुछ भी फिल नहीं करनी है, आपको सिंपल एंटर करके सेव कर देना है। आप देखेंगे आपका IGST भी आपके सामने शो हो गया। इसको मैंने आपको बताया था GST देखने के लिए आप यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप GST टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+F1। यहाँ पर देखिए 18% का आपका GST शो हो गया। स्कैप करके पीछे आ जाइए और इसको सेव कर दीजिए। तो ये था हमारा सर्विस टैक्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।